बहुत अच्छे एक्टर, बहुत सारा रुपया और हमारा बहुत सारा टाइम, ये कहना तो नहीं चाहता हूं बट सच कहूं यार वेस्ट गया। बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की गई थी जब ये मूवी का ट्रेलर आया था, सोचा था कि यार ये मूवी बहुत अच्छी जाएगी, लेकिन जितनी ज्यादा हाइप क्रिएट की गई थी सच कहूं वो नीचे आके एकदम धड़ाम से गिरती है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे जगम में थंडीराम मूवी के बारे में, जिसे नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया और तकरीबन ये मूवी 2 घंटे 40 मिनट इसकी लेंथ है। इस मूवी को डायरेक्ट किया कार्तिक सुबराज ने। मुझे लगता है कि यार इनको एक बार रिसर्च कर लेनी चाहिए थी कि जो UK US के अंदर इमाइग्रेंट का इशू है उससे रिलेटेड, या फिर वहां पर गैंगस्टर कैसे काम करती है उसके बारे में, डेफिनेटली उनके बारे में तो जरूर इनको सर्च करना चाहिए था, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत ज्यादा कमियां हैं, यानी बहुत ज्यादा लूप होल है, खैर उसके बारे में बात करेंगे। और इस मूवी के अंदर मेन रोल में आप लोगों को नजर आएंगे धनुष सर, जिन्होंने एक सुरली नाम के व्यक्ति का किरदार निभाया है जो मदुरई में रहता है, वहां पर ये एक गुंडा है और वहां पर ये बहुत ज्यादा निडर है, बम बनाने जाता है, और इस बात से खुश होकर वहां पर एक अंग्रेज आया होता है लंदन से, ब्रिटेन से, तो वो इस बात से खुश होकर सुरली को अपने साथ ब्रिटेन लेके चलता है, क्योंकि ब्रिटेन में दो गैंगस्टर आपस में लड़ रहे होते हैं, एक तो ब्रिटेन वालों का ही होता है जिसे पीटर नाम का एक व्यक्ति बॉस होता है वो उसको लीड करता है, दूसरी तरफ तमिल लोगों का एक गैंग होता है, खैर मैं ये कहूं कि उस तमिल लोगों में भारत के भी तमिल हैं लेकिन ज्यादातर उसके अंदर श्रीलंका के लोग जो है वहां पर दिखाए गए, श्रीलंका तमिल वहां पर दिखाए गए हैं। सुरली को इस पीटर की गैंग में शामिल किया जाता है ताकि वो इस तमिल वाली गैंग को मारने में मदद कर सके, क्योंकि सुरली को सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है जैसा इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। इस मूवी में जो कमियां हैं, जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लंदन जैसे शहर में आप दिखाते हो गैंगस्टर, वहां पर 2400 घंटे CCTV लगे हुए हैं, सातों दिन वो निगरानी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर गैंग वॉर चल रहा है और किसी भी पुलिस का उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, मतलब सिंगल पुलिस वाला इस मूवी के अंदर नहीं दिखाया गया, यार मजाक चल रहा है वहां पे। दूसरी इस मूवी के अंदर जो कमी है वो इस मूवी का प्रेडिक्टेबल होना, पूरी की पूरी मूवी प्रेडिक्टेबल है, आप इवन बता सकते हो कि यार आगे होने वाले सीन में क्या होगा, पूरी मूवी प्रेडिक्टेबल है। थर्ड जो इस मूवी की सबसे बड़ी कमी है वो इसका सेकंड हाफ, ये मूवी फर्स्ट हाफ में जिस तरीके से चल रही है एक तरीके से एंटरटेनमेंट जो ये दे रही थी, सेकंड हाफ में ये मूवी बिल्कुल मतलब टर्न कर जाती है, दूसरे ही लेवल पे चली जाती है, कुछ और ही दिखाने लग जाती है। दरअसल सेकंड हाफ में ये हमें बताती है शरणार्थियों के इशू के बारे में, जिन लोगों को अपने देश से निकाला गया या जो लोग अपने देश को छोड़कर चले आए वो किसी दूसरे देश में इलीगली रह रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई कागज नहीं है, और इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि मूवी बनाने वाले भारत के लोग हैं और इस मूवी के अंदर भारत का रेफरेंस दिया गया है क्योंकि कहा जाता है कि भारत शरणार्थियों को एक्सेप्ट नहीं करता। खैर इसके बारे में बात करेंगे, खैर उससे पहले इस मूवी में जो अच्छी बातें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस मूवी का BGM बोले तो बैकग्राउंड म्यूजिक कमाल का, बहुत बढ़िया है, और जो इसके अंदर परफॉर्मेंस है सभी एक्टर ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है। पीटर नाम का जो करेक्टर है जो ब्रिटेन में जो गैंगस्टर चला रहा है ब्रिटिश लोगों की, तो वो काफी अच्छा मुझे लगा। धनुष सर की एंट्री या फिर धनुष सर का जो यहां पर जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, मतलब बहुत बढ़िया रिप्रेजेंटेशन था, एक्शन बहुत बढ़िया था, मैं ये कहूं कि हर एक कलाकार ने अपनी परफॉर्मेंस बड़ी ईमानदारी से निभाई है। इस मूवी के अंदर एक तमिल के अंदर रैप भी आता है, रैप जैसे मुझे लगता है, और स्टार्टिंग में एक सॉन्ग भी आता है। देखो मुझे तमिल नहीं आती, बावजूद इसके मैंने वो चीजें एंजॉय की क्योंकि इतना बढ़िया मुझे लगा, वो सुनने में अच्छा लगा, म्यूजिक अच्छा था उसका। और यहां पर जो इसका ओपनिंग सीन है इस मूवी में, देखो काफी सारे सीन ऐसे हैं जो काफी अच्छे हैं, और इसके अंदर जो ओपनिंग सीन है वो काफी अच्छे हैं। हमें पहले कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है, जो काफी अच्छी बात लगी मुझे इस मूवी में। स्क्रीन प्ले इस मूवी का काफी अच्छा लगा, लेकिन इस मूवी की कहानी की बात करूं तो देखो यार वो एकदम डल है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन डल है तो डल है। खैर मेन मुद्दे पे आते हैं, जो इस मूवी के सेकंड हाफ में दिखाया जाता है वो है शरणार्थियों वाला इशू। देखो यार आप लोगों को शरणार्थियों वाला इशू दिखाना है बेशक दिखाओ, लेकिन ये क्या लॉजिक बनता है कि एक कागज का टुकड़ा कैसे इंसान की पहचान तय करेगा? ये तो यार देखो ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी देश में रह रहे हो तो आपके पास उस देश की पहचान होना अनिवार्य है। ये कहां से लॉजिक लेके आ जाते हो कि भैया पहचान मतलब एक कागज का टुकड़ा नहीं होने से ही इंसान की पहचान होगी, ये क्या बेतुकी चीजें होती हैं कागज का टुकड़ा जैसे इसमें दिखाया गया। देखो मुझे इतना इलॉजिकल लगा, क्या अगर ये इस मूवी के जो मेकर्स हैं उनसे मैं कुछ पूछूं कि अगर आप जो आपने जो ये मूवी जो है वो OTT प्लेटफॉर्म पे डाली तो वहां क्या कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था, या आप जो बाहर किसी देश में गए थे मूवी शूट करने के लिए क्या वहां पर कोई कागज चेक नहीं हुआ था, वहां कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था, या आप अपनी मूवी के अंदर आपने जिन लोगों को कास्ट किया जो भी एडिटिंग के लिए मेकअप के लिए, क्या आपने वो बिना सोचे समझे ले लिए थे या फिर उनका कोई भी कागजी कार्रवाई आप लोगों ने नहीं की थी, वहां कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था? ये तो वही वाली बात होगी कि आप एक बस के अंदर चढ़ते हो और कंडक्टर आता है आपसे कहता है टिकट, तो आप कहते हो क्या एक छोटे कागज के टुकड़े के पीछे पड़ा हुआ है, भाई साहब वो कंडक्टर धक्के दे के बाहर निकाल देगा। और यहां तो देश की बात हो रही है, और जिस तरीके से इसके अंदर दिखाने की कोशिश की गई है कि देखो कागज नहीं होना चाहिए, इंसान कागज से बढ़कर होता है, ऑब्वियसली होता है, लेकिन एक देश का एक सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग वो चलता है। आप सपोज करो
कागज हटा देते हैं, लेकिन एक इंसान की पहचान के अगर कागज हटा देते हैं तो एक देश कैसे जानेगा कि उसके देश में कितने सारे लोग रहते हैं, उनकी बेरोजगारी कितनी है, गरीबी कितनी है, किस कैसी कैसी स्कीम चलाई जाएगी, तो कैसे वो चीजों को मेंटेन करेगा। देखो हर एक देश का हक होता है अपने देश के अंदर उसकी बाउंड्री के अंदर रहने वाले लोगों के बारे में जानने के लिए, भैया वो वोट कितने डालने वाले लोग हैं यहाँ पर, कितनी जनसंख्या है यहाँ पर, हर एक देश को जानने का हक है। और जो शरणार्थी आए हैं उनके लिए एक अलग इशू दिखाओ ना, बावजूद इसके घटिया चीजों के प्रमोट करने के, भैया ये लोगों में एक मनगढ़ंत कहानी बढ़ने की, कागज नहीं होने चाहिए, ये खाली पुलाव। देखो यार वो सुनने में अच्छे लगते हैं लेकिन प्रैक्टिकली आप अगर उनको लागू करके देखो तो कहीं पर भी वो चीजें लगती नहीं है, सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अब खुद सोच कर देख लो यार, कैसे बेरोजगारी का पता चलेगा, कैसे कोई स्कीम आप लागू करोगे, कैसे पता चलेगा कितने देश के अंदर लोग रह रहे हैं। तो इतना ज्यादा लिबरल बनने के चक्कर में ये फालतू का कॉन्सेप्ट इस मूवी के अंदर घुसेड़ दिया गया। सच कहूं अगर ये फालतू का कॉन्सेप्ट इसके अंदर ना घुसेड़ा होता तो मूवी अच्छी जा सकती थी, हिट हो सकती थी, क्योंकि फर्स्ट हाफ इस मूवी का काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मुझे लगता है, लेकिन सेकंड हाफ, सही कहा ना मैंने, जैसे ही मूवी सेकंड हाफ में जाती है बिल्कुल टर्न हो जाती है, बिल्कुल कहीं और दूसरी दिशा में चली जाती है। तो बावजूद इसके यार ऐसी चीजों के एंटरटेनमेंट पे फोकस करो, या फिर पहले रिसर्च कर लिया करो फिर सॉल्यूशन दिखाया करो, वो ज्यादा अच्छा लगता है। मनगढ़ंत कहानियां दिखा देने से वो देखो वो सॉल्यूशन नहीं होता है, तो कृपया करके उसके ऊपर एक बार सर्च कर लिया करो। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 3 out of 10 स्टार बिकॉज ऑफ जो एंटरटेनमेंट मुझे फर्स्ट हाफ में मिला उसकी वजह से। बाकी इस मूवी में मुझे कहीं पर भी नहीं लगा कि आप लोग इसको देखें, फर्स्ट हाफ तक देखोगे तो काफी बेटर ही रहेगा। और इतनी ज्यादा लेंथी मूवी होने के कारण आपको कहीं ना कहीं यार ये बोर करने लगेगी, डेफिनेटली आपको बोर करेगी। जिसने भी ये मूवी देखी है प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी, और जिन्होंने नहीं देखी तो रिव्यू आपने देख लिया तो खुद आप अपने विवेक अपनी बुद्धि का यूज करिए कि आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।